हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पावर ट्रांसमिशन के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारे रिसोर्सेस से पावर ट्रांसमिशन में बहुत सारे रिसोर्स के द्वारा पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर किया जाता है। पावर को ना तो शक्ति को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ये हम लोग मतलब 8वीं 9वीं क्लास से जानते आ रहे हैं, लेकिन उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं और उसी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए बहुत सारे रिसोर्स का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे रिसोर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, उसी में से एक हमारा रिसोर्स जो कि गियर है। उन बहुत सारे रिसोर्स में जैसे चैन पुली, स्पॉकेट, शाफ्ट, कपलिंग, आपका बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, ये सारे रिसोर्स का प्रयोग किया जाता है। उसी में एक हमारा गियर्स भी आता है, जिसमें से आज हम उस रिसोर्सों में से एक रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो गियर है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पावर ट्रांसमिशन में गियर के द्वारा जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसमें जो होती है पावर जो ट्रांसमिट करते हैं उसमें हमें पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त होता है। पॉजिटिव ड्राइव ड्राइव बोले तो हम जितना पावर यहां दे रहे होते हैं इस पॉइंट पे, नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट होता है, जैसे हम एक पॉइंट पे पावर देते हैं तो वो दूसरे पॉइंट पर पहुंचता है, उसी तरह एक पॉइंट पे जितना हम पावर दे रहे हैं दूसरे पॉइंट पे हमें उतना ही पावर मिलता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव ड्राइव। अगर हम पावर कोई कहीं दें और वो दूसरी तरफ दूसरी जगह जो ट्रांसफर कर रहा है वहां पे हमें पावर कम मिले तो उसे हम पॉजिटिव ड्राइव नहीं कहेंगे। लेकिन गियर में ऐसा होता है कि वो हर वक्त पॉजिटिव ड्राइव ही देता है, यानी कि इसमें पावर की लॉसेस कम होती है और जिस जिस इक्विपमेंट के द्वारा पावर को ट्रांसमिट करने में लॉसेस कम हो उसे पॉजिटिव ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम गियर में। गियर के बारे में जानने से पहले गियर का कुछ टर्मोलॉजी है, गियर के कुछ टर्मोलॉजी है जिसको जानना अति आवश्यक है। तो आइए हम गियर के कुछ टर्मोलॉजी के बारे में जानते हैं। पहला जो आपका गियर का टर्मोलॉजी है, सबसे पहला में वो है अडेंडम, अडेंडम सर्कल, ADDENDUM, एडेंडम, CIRCAL, सर्कल। अडेंडम सर्कल क्या है? किसी भी गियर में जो ये हमारा क्रेस्ट होता है, गियर के दांतों में जो क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट मतलब होता है गियर के दांतों के ऊपरी परत, ऊपरी साइड, यानी ऊपरी साइड को हम क्रेस्ट कहते हैं और निचली साइड को क्या कहते हैं, रूट कहा जाता है। ठीक, क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, रूट मतलब होता है गहराई। तो गियर के ये क्रेस्ट से होते हुए, गियर के दांतों की क्रेस्ट से होते हुए एक सर्कल कंप्लीट होता है, चाहे वो कैसा भी गियर क्यों ना हो, उसमें उसके रूट सॉरी क्रेस्ट से होते हुए एक सर्कल कंप्लीट होता है, उसी सर्कल को हम अडेंडम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? अडेंडम सर्कल। फिर से सुन लेंगे, गियर के दांतों के क्रेस्ट से होते हुए एक सर्कल कंप्लीट होता है, जिस सर्कल को हम क्या कहते हैं, आउटरनल सर्कल या अडेंडम सर्कल कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा है टर्मोलॉजी, डिडेंडम सर्कल, DEDENDUM, डिडेंडम, CIRCAL, सर्कल। डिडेंडम सर्कल क्या है? तो गियर के रूट से होते हुए, गियर के रूट ये जो है, ये गियर के रूट जो है, ये निचला निचला भाग, क्रेस्ट उपला
ऊपर वाला और रूट नीचे वाला। तो गियर के जो रूट से होते हुए जो सर्कल कंप्लीट करता है, गियर के दांतों से जो रूट से होते हुए जो सर्कल कंप्लीट करता है उसे क्या कहते हैं हम, रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल कहा जाता है। क्लियर? डिडेंडम सर्कल क्या है, जब गियर के रूट से होते हुए कोई सर्कल कंप्लीट हो तो उसे डिडेंडम सर्कल कहते हैं। तीसरा टर्मोलॉजी क्या है, तीसरा टर्मोलॉजी है आपका पिच सर्कल, PITCH, पिच CIRCAL, पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या है, यह एक इमेजिनरी सर्कल है, यानी हम कह सकते हैं, जैसे कहा भी जाता है कि इट इज अ इमेजिनरी सर्कल, क्या मतलब ये एक कल्पना किया जाता है, इमेज किया जाता है अपने मन में, क्योंकि गियर के जहां दांतों की मैक्सिमम मोटाई पहुंचती है कर्व वाले स्थान पे, गियर के दांतों की जहां मैक्सिमम मोटाई होती है उस पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल कंप्लीट होता है जिसे हम पिच सर्कल कहते हैं। फिर से सुनेंगे, यह एक इमेजिनरी सर्कल है, यानी कि काल्पनिक सर्कल है, हम इसे देख नहीं सकते हैं। हम आउटरनल सर्कल को देख सकते हैं, रूट सर्कल को देख सकते हैं, अडेंडम सर्कल को देख सकते हैं और डिडेंडम सर्कल को देख सकते हैं, परंतु पिच सर्कल को नहीं देख सकते, क्योंकि पिच सर्कल को सिर्फ इमेज किया जाता है। यह एक इमेजनरी सर्कल होता है, इमेजनरी लाइन होता है, और इसको कैसे बोल सकते हैं कि जो गियर के दांतों की मैक्सिमम मोटाई, देखिए यहाँ पे आकर के इस गियर के मैक्सिमम मोटाई हो जाती है यहाँ पे, और इधर से जब आएंगे तो गियर के दांतों के यहाँ मैक्सिमम मोटाई हो गया, तो इस मोटाई के पॉइंट से होते हुए, देखिए हर गियर के दांतों के पास मैक्सिमम मोटाई से होते हुए एक पॉइंट से जो सर्कल कंप्लीट कर रहा है उसी को हम पिच सर्कल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टर्मोलॉजी, अभी तक हम लोग तीन टर्मोलॉजी पढ़ लिए गियर का, पहला आउटरनल सर्कल, दूसरा रूट सर्कल, तीसरा पिच सर्कल, अब चौथा क्या है, अडेंडम, ADDENDUM, अडेंडम CIRCAL सर्कल। अडेंडम सर्कल क्या है, अडेंडम क्या है, ये देखिए सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, अडेंडम सर्कल और अडेंडम, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वो क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। अडेंडम जो होता है, अडेंडम सर्कल आपका, वो गियर के दांतों के क्रैश से होता हुआ एक सर्कल कंप्लीट होता है उसे अडेंडम सर्कल कहते हैं, जबकि अडेंडम पिच सर्कल के ऊपर मापी गई दूरी को ही अडेंडम कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, ये देखिए जो यहां से पिच सर्कल है, ये पिच सर्कल के ऊपर मापी गई दूरी पिच सर्कल के ऊपर दांतों के क्रेस्ट तक के बीच की दूरी को ही अडेंडम कहा जाता है। कैसे कहेंगे कि पिच सर्कल के ऊपर मापी गई दूरी को अडेंडम कहते हैं, या पिच सर्कल के ऊपर दांतों के रू क्रेस्ट तक के बीच की दूरी को अडेंडम कहते हैं, और अडेंडम हमारा 0.3 पिच के बराबर होता है। कितना? 0.3 पिच के बराबर। अब पिच क्या है, यहां पे देखिए 0.3 पिच, ये क्या है, एक नया चीज आया, पिच क्या है सबसे पहले जान लेते हैं, इसके बाद यहां आएंगे। तो थोड़ा सा यहां आते हैं, यहां देखेंगे आप कि ये दो दांते हैं, ठीक है, ये गियर के दो दांते हो गए, ऐसे ही बनता चला जाएगा, मतलब तो गियर की इस दांते से, एक दांते से दूसरे दांते के सेंटर तक के बीच की दूरी को ही पिच कहते हैं, यानी गियर के एक दांते के सेंटर से दूसरे दांते के सेंटर के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। पिच क्लियर हुआ? पिच क्या है, गियर के एक दांते के सेंटर से गियर के दूसरे दांते के बीच की दूरी को, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को ही पिच कहा जाता है। अब हमें पिच पता चल गया, अब हम आगे चलते हैं, यहां आते हैं, अडेंडम क्या था, 0.3 पिच के बराबर था, इसका मतलब क्या है ये देखेंगे।
ये अडेंडम 0.3 पिच के बराबर होता है। तो यहां पे आप मान लीजिए कोई गियर है आपके पास, मान लीजिए मेरे पास एक गियर है जिसका पिच कितना है 20 mm, 20 mm, यानी कि इसके इस सेंटर से, इस दांत के इस सेंटर से इस दांत के सेंटर तक के बीच की दूरी कितनी है 20 mm। तो हमारा पिच बराबर 20 mm, तो अडेंडम बराबर क्या हो जाएगा, ADDENDUM, अडेंडम बराबर 0.3 पिच, तो 0.3 × 20, यानी कि 20 × 60 6 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका अडेंडम है, अगर आपके पास जो गियर है उस गियर का पिच, उस गियर का पिच अगर 20 mm है, तो आपके पिच सर्कल से ऊपर के तरफ गियर के दांतों के रूट तक, सॉरी क्रेस्ट तक की दूरी कितनी हो जाएगी 6 mm, 6 mm हो जाएगी। यानी कि यहां से यहां तक पिच सर्कल, सॉरी पिच का पिच कितना हो 20 हो, तो आपके अडेंडम का ये जो होता है पिच सर्कल से ऊपर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 mm। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है पांचवा, डिडेंडम, DEDENDUM, डिडेंडम। अब डिडेंडम क्या है, सुनने में इसी के जैसा सेम लग रहा है, लेकिन फिर वही कहानी। यहां से देखिए, पिच सर्कल से नीचे के तरफ रूट तक की ली गई दूरी को डिडेंडम कहते हैं जी। डिडेंडम किसे कहते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए, पिच सर्कल से रूट तक की ली गई दूरी को डिडेंडम कहते हैं। डिडेंडम, पिच सर्कल से नीचे की तरफ ली गई दूरी को डिडेंडम कहते हैं, और डिडेंडम 0.4 पिच के बराबर होता है। कितना पिच के बराबर, 0.4 पिच के बराबर। अब ये 0.4 पिच क्या है, फिर वही सिस्टम, पी बराबर कितना, अगर मान लो हमारे पास एक गियर है जिसका पिच कितना 20 mm, तो 20 mm हमारे पास अगर पिच है, तो गियर के डिडेंडम कितने हो जाएंगे, यानी पिच सर्कल से नीचे की तरफ लंबाई कितनी हो जाएगी गियर के दांतों की, तो ये होता है 0.4 पिच डिडेंडम बराबर, डिडेंडम बराबर 0.4 पिच, तो 0.4 × 20, यानी कि 20 × 80 8 mm। 8 mm क्या, यहां से यहां तक की दूरी 8 mm। तो इससे क्या फायदा होता है, अगर हमें अडेंडम पता है, पिच सर्कल पता है, पिच पता है, तो हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे गियर की दांत जो है, गियर की जो दांते हैं, जो गियर की तूथ है, वो कितना लंबा है। अगर हमें पिच पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे हाथ में गियर है उसकी दांते कितनी लंबी है, कैलकुलेट करके, क्योंकि अडेंडम बराबर हमें पता है कितना 0.3 पिच, और डिडेंडम बराबर कितना 0.4 पिच। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 mm पिच है, तो ऊपर वाले के लिए कितना हो जाएगा 20 × 60, यानी 6 mm की पिच सर्कल से ऊपर की तरफ डिस्टेंस हो गया, पिच सर्कल से नीचे 20 × 80 यानी 8 mm डिस्टेंस हो गया। जब ये टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल डेप्थ। तो छठा टर्म एक आता है गियर में जिसका नाम है होल डेप्थ, HOLE, होल DEPTH, होल डेप्थ। छठा एक टर्म्स है जिसका नाम है होल डेप्थ, वो होल डेप्थ क्या है, अडेंडम प्लस डिडेंडम बराबर होल डेप्थ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ADDENDUM, अडेंडम प्लस DEDENDUM, डिडेंडम। ये 0.3 पिच प्लस 0.4 पिच बराबर 0.7 पिच, तो हम इसको सीधे सीधा कर सकते हैं 0.7 पिच, या ऐसे बोले तो क्या बोल सकते हैं कि 6 mm इधर, 6 mm इधर, यानी पिच सर्कल से ऊपर 6 mm, पिच सर्कल से नीचे 8 mm, तो 8 × 6 = 14 mm, तो होल डेप्थ कितना 14 mm। या हम सीधा सीधा कर सकते हैं 0.7 × 20, 7 × 14 140, यानी कि 14 mm पॉइंट लग जाएगा।
14 mm होल डेप्थ कितना हो गया 14 mm। तो आप कह सकते हैं कि जो गियर की पूर्ण गहराई होती है, गियर के दांतों की पूर्ण गहराई को ही होल डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? गियर के पूर्ण गहराई को होल डेप्थ कहते हैं, जो कि अडेंडम और डिडेंडम मिलके बनता है। नेक्स्ट टर्म्स है सातवां टर्म। सातवां क्या है? सातवां है आपका वर्किंग डेप्थ, W O R K I N G, वर्किंग डेप्थ, D E P T H, डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या है? यहां देखेंगे आप, मैंने एक दूसरा दांता भी यहां दिखाया है। जब ये दोनों दांते, जब गियर के दो दांते आपस में मेस करते हैं, यानी मिलते हैं, मेस मतलब होता है मिलना, तो दोनों दांतों को जब एक दूसरे से मिलाएंगे, यानी दो दांत, मैं क्यों कह रहा हूं, एक गियर इधर ले लो, एक गियर इधर ले लो, और दोनों गियर को मिला, अरे जब तक गियर एक दूसरे से फंस के चलेगा नहीं, मेस नहीं करेगा, तो पावर ट्रांसफर कैसे होगा। और ये भी है, जब भी दो गियर चलता है तो वो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, क्योंकि गियर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो उस दोनों के दांते फंस रहे हैं। जब इसे फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, तो क्या होता है, गियर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये जो जहां पे जाकर के फंस करके अब इससे आगे बढ़ नहीं सकता है, ये गियर जहां मेस कर गया अब इससे आगे बढ़ नहीं सकता है, तो जहां जिस पॉइंट पे मेस करता है उस पॉइंट तक की दूरी को, उस पॉइंट तक के दूरी को क्या कहते हैं, वर्किंग डेप्थ कहते हैं। जैसे वर्किंग डेप्थ कहते हैं, यहां हम एक चीज और कह सकते हैं क्या, कि डबल अडेंडम बराबर वर्किंग डेप्थ। कैसे? एक गियर, इस गियर की अडेंडम दूसरे गियर के लिए अडेंडम किधर हो जाएगा, नीचे साइड में, और पहला गियर का अडेंडम ऊपर साइड में। मान लो ये पहला गियर है, पहला गियर, और ये दूसरा गियर, दूसरा गियर, तो जब ये पहला गियर है तो इसका जो अडेंडम होगा सबका ऊपर की तरफ होगा पूरा, और ये डिडेंडम जो होगा ऐसे करके, सॉरी अडेंडम, इसका अडेंडम नीचे की तरफ होगा। तो डबल अडेंडम कहने का मतलब कि यहां से यहां तक एक अडेंडम और यहां से यहां तक दो अडेंडम, तो डबल अडेंडम को मिलाने के बाद क्या हो जाता है हमारा वर्किंग डेप्थ, यानी हम कह सकते हैं 0.3 पिच प्लस 0.3 पिच बराबर 0.6 पिच। द वर्किंग डेप्थ बराबर कितना, 0.6 पिच। यहां देख भी सकते हैं आप, ये जहां पे मैच किया यहां से, और यहां थोड़ा सा जरूर किसी भी गियर को जब भी मैच करेंगे तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यहां देखिएगा जैसे हमारा अंगली मैच कर रहा, समझ लो एक तरफ गियर के दांते मैच कर रहे हैं, तो यहां नीचे देखेंगे क्लियरेंस बच रहा है, सॉरी यहां पे गैप बच रहा है, उसी गैप को क्या कहा जाता है, वो गैप क्लियरेंस कहलाता है। तो आठवां टर्म्स क्या है, क्लियरेंस, सी एल ई ए आर ए एन सीई, क्लियरेंस। क्या बताया, जब दो गियर आपस में मेस करता है, मेस करने के बाद जिस पॉइंट पे वो फंस जाते हैं उससे आगे नहीं बढ़ सकते, उस पॉइंट तक की गहराई को वर्किंग डेप्थ कहते हैं, या दूसरे आसान भाषा में बोले तो डबल अडेंडम बराबर वर्किंग डेप्थ, यानी एक अडेंडम और एक अडेंडम मिलकर के क्या बना रहा, वर्किंग डेप्थ। और भी नीचे की तरफ मेस करने के बाद जब गियर के नीचे की तरफ जो जगह बच जाती है उसे क्लियरेंस कहते हैं। तो क्लियरेंस कितना हो जाएगा, आप यहां निकाल सकते हैं आसानी से, यहां पे ये हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं, चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले वाले को, यहां लिखने में आसानी हो जाएगी, उधर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो इसे हमने मिटा दिया यहां पे। अब लेते हैं यहां पे, देखिए ये क्लियरेंस इधर उठा के लाते हैं, अभी क्या वर्किंग डेप्थ है यहां पे, वर्किंग डेप्थ बराबर कितना, 0.6 पिच। अब क्लियरेंस, आठवां क्या था हमारा टर्म्स, क्लियरेंस, सी एल सी एल ई सी एल ई आर ए एन आर ए आर ए एन C-E, C-L-E, R-A-N, C-L-E, A-R-A-N, C-E, clearance, clearance क्या है हमारा, clearance हो जाता है जब working depth के नीचे की जगह, तो हमारा working depth clearance हम ऐसे बोल सकते हैं कि clearance बराबर working depth, sorry, hole depth, H-O-L-E, hole, D-E-P-T-H, depth minus वर्किंग डेप्थ, डब्ल्यू ओ आर के आई एन जी, वर्किंग डेप्थ, डी ई पी टी
DEPTH डेप्थ, यानी कि 0.7 पिच माइनस 0.6 पिच बराबर कितना 0.1 पिच। क्लियर? अब देखिए एक बार फिर से करते हैं क्लियर। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसे जरूर ध्यान देंगे। अडेंडम क्या है? पिच सर्कल से नीचे की दूरी को ली गई दूरी को, सॉरी, पिच सर्कल से ऊपर की तरफ जो दूरी ली जाती है, यानी पिच सर्कल से क्रेस्ट तक के, दांतों के क्रेस्ट तक की दूरी को अडेंडम कहते हैं। अडेंडम 0.3 पिच के बराबर होता है। डिडेंडम क्या है? डिडेंडम वो होता है जो पिच सर्कल से नीचे की तरफ, यानी रूट तक की दूरी ली जाती है, उसे डिडेंडम कहते हैं। और डिडेंडम कितना होता है? 0.4 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट कहला होल डेप्थ, यानी कि अडेंडम प्लस डिडेंडम बराबर कितना? होल डेप्थ। हम कह सकते हैं कि गियर की पूर्ण लंबाई या गियर की पूर्ण गहराई कितना हो जाएगा? अडेंडम और डिडेंडम मिलाएंगे तभी तो पता चलेगा। अगर हमको 20 mm का पिच वाला एक गियर दे दिया जाए तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी होल डेप्थ कितनी होगी, उसकी अडेंडम कितनी होगी, उसकी डिडेंडम कितनी होगी। आपने यहाँ पे देखा ही है कि अगर 20 mm है तो अडेंडम कितना? 6, डिडेंडम कितना? 8, और होल डेप्थ कितना? 14। उसके बाद आते हैं वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या है? कह रहा है सीधा सीधा वर्किंग डेप्थ कह रहा है कि अडेंडम, डबल अडेंडम को वर्किंग डेप्थ कहते हैं। या एक और आसान भाषा में बोले तो जब दो गियर को मेश कराते हैं और वो दोनों गियर जिस पॉइंट पे मेश करते हैं उस पॉइंट तक की गहराई को वर्किंग डेप्थ कहते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा आसान भाषा में बोले तो डबल अडेंडम, यानी कि एक गियर का अडेंडम ऊपर वाला और दूसरा गियर का अडेंडम नीचे वाला, यानी कि जब दूसरा गियर यहाँ पर लगाया जाएगा तो उसका अडेंडम किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो एक अडेंडम ये, एक अडेंडम ए, डबल अडेंडम बराबर क्या होता है? वर्किंग डेप्थ। और वर्किंग डेप्थ कितना हो जाएगा? 0.3 पिच पर 0.3 पिच बराबर 0.6 पिच, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पे 6 mm प्लस 6 mm बराबर 12 mm। वर्किंग डेप्थ कितना? 12 mm। फिर आता है नेक्स्ट क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है? वर्किंग डेप्थ और सॉरी होल डेप्थ और वर्किंग डेप्थ को जब माइनस करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका टोटल ये कितना हो गया? होल डेप्थ। इसी होल डेप्थ में तो हमारा वर्किंग डेप्थ होगा, इसी होल डेप्थ में तो हम दूसरे गियर को फंसा रहे हैं। तो मैश करने के बाद वो पूरा नीचे नहीं जा पा रहा, नीचे कुछ ना कुछ क्लियरेंस जगह बची जा रही है, और जो नीचे जो जगह बच रहा है उसी को क्लियरेंस कहता है। यानी कि होल डेप्थ टोटल पहले लेंगे, टोटल होल डेप्थ माइनस वर्किंग डेप्थ, क्योंकि जितने पे ये लटक जा रहा है ना, बीच में गैप तो बच ही रहा है नीचे, तो जो गैप बच रहा उसी को तो क्लियरेंस कहते हैं। गियर का क्लियरेंस क्या? जो नीचे की तरफ जो गैप बच जाए, देखिए यहाँ पे गैप बच रहा है, इसी को कहते हैं क्लियरेंस। और क्लियरेंस कितना हो जाएगा? 0.7 पिच माइनस 0.6 पिच बराबर 0.1 पिच। अगर ऐसे कैलकुलेशन में देखना चाहे तो पिच अगर 20 mm का हो तो, पिच अगर 20 mm का हो तो क्या? 14 mm ये माइनस 12 mm ये बराबर क्या? 2 mm, यानी कि हमारा क्लियरेंस कितना? 2 mm। क्लियर हुआ? यस। चलते हैं आगे, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला हो गया होगा, नीचे वाला मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट काम क्या है? अभी हम लोग पहुंचे थे नौ हो गया था, 9 टर्म्स हो गए थे। दसवां टर्म्स है हमारा सर्कुलर पिच। क्या है सर्कुलर पिच? CIRCULAR सर्कुलर पिच, PITCH सर्कुलर पिच। ये भी बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इसे कि सर गियर में सर्कुलर पिच क्या है, तो ऑप्शन देते हैं बहुत सारे, यहाँ पे देखेंगे क्लियर हो जाएगा सर्कुलर पिच क्या है। कह रहा है, कहता है कि जो गियर के दांतों को गोलाई में, ये देखिए पिच सर्कल से नीचे की तरफ जो गोलाई में माप ली जाती है उसी को पिच सर्कल से नीचे की तरफ दो दांतों के बीच की दूरी को, यहाँ देखिए पिच सर्कल से, ये पिच सर्कल से नीचे की तरफ, यहाँ पे पिच सर्कल से नीचे की तरफ, किसमें? गोलाई में,
दो दांतों के बीच की दूरी को ही सर्कुलर पिच कहते हैं। फिर से सुनेंगे, क्लियर कीजिएगा पूरा, जहां डाउट हो वहां पूछना है। पिच सर्कल से, देखेंगे यहां पे, पिच सर्कल से नीचे की तरफ गोलाई में ली गई दो दांतों के बीच की दूरी को ही सर्कुलर पिच कहते हैं। क्लियर? फिर से एक बार और, मैं पूरा क्लियर करना चाह रहा हूं आप लोगों का। पिच सर्कल क्या है? बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, बहुत बहुत लोग इसमें नर्वस हो जाते हैं। पिच सर्कल है क्या एक्चुअल में, बोल नहीं पाते। यहां देखिएगा, पिच सर्कल क्या है, पिच सर्कल सॉरी सर्कुलर पिच क्या है, सर्कुलर पिच सर्कल से नीचे, पिच सर्कल से नीचे गोलाई में दो दांतों के बीच की मापी गई दूरी को ही सर्कुलर पिच कहते हैं। ठीक है, ये देखिए गोलाई में ही मापते हैं यहां पे कभी भी, तो दो दांतों के बीच की दूरी को सर्कुलर पिच कहते हैं। नेक्स्ट टर्म्स, 11वां, 11वां क्या है आपका, ये है तुथ स्पेस, TOOTH, तुथ SPACE स्पेस विड्थ, WI टूथ स्पेस विड्थ। ये क्या है, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, गैप स्पेस मतलब, और टूथ मतलब दांत। सीधा सीधा यहां मतलब समझ में आ रहा है कि टूथ स्पेस, दांतों की स्पेस की जो चौड़ाई होती है, कितनी चौड़ाई है उसी को क्या कहते हैं, टूथ टूथ स्पेस थिकनेस। यानी कि दो दांतों के बीच में जो गैप होता है, यहां पे दो दांतों के बीच में जो गैप है उसी गैप को ही टूथ थिकनेस कहते हैं, टूथ स्पेस विड्थ कहते हैं, उसी गैप की चौड़ाई को टूथ स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म्स क्या है, 12, 12वां, 12वां देखे तो क्या कह रहा है हमारा, कॉर्डियल थिकनेस, CHORDALTHICKNESS, कॉर्डियल थिकनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ये सारे चीजें ऊपर हम लोग जो ने देखा था कैलकुलेशन वाला, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। जैसे इसरो में इसको मैंने 3 बार फेस किया है, इसरो मैंने 3 बार देखा है इसको, इस क्वेश्चन को 3 बार पाया है मैंने इसरो में, इसरो उसके बाद से मैंने एक बार NPCIL में भी इसको देखा था। ठीक है, मेरा दोस्त भी एक पेपर देकर आया था IG कार का, उसमें भी ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। क्या कॉर्डियल थिकनेस क्या है, कॉर्डियल थिकनेस ध्यान से सुनेंगे, इसको मापने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं, गियर के कॉर्डियल थिकनेस को मापने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं। वो पहला है वर्नियर टूथ कैलिपर, क्या वर्नियर टूथ कैलिपर, यानी उसका नाम ही है वर्नियर टूथ कैलिपर, जो कि टूथ दांतों की टूथ की वो कॉर्डियल थिकनेस बताती है वो। तो अब आते हैं कॉर्डियल थिकनेस है क्या, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो है फ्लैंज माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर के द्वारा ये मापा जाता है कॉर्डियल थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी इसी में कॉर्डियल थिकनेस है क्या ये पहले देखते हैं, मापते किससे ये तो पता चल गया, किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, लेकिन मापते कैसे हैं ये पता करना है। तो देखिए पिच सर्कल के ऊपर, यहां पे ऊपर है, पिच सर्कल के ऊपर सीधाई में ली गई दूरी, किसमें, सीधाई में, गोलाई में नहीं, पिच सर्कल के ऊपर देखेंगे, हाँ एकदम एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट, पिच सर्कल के ऊपर सीधाई में ली गई एक दांते की मोटाई, क्या एक दांते की मोटाई को हम क्या कहते हैं, कॉर्डियल थिकनेस कहते हैं। फिर से एक बार क्लियर कर लेंगे आप लोग, पिच सर्कल के ऊपर सीधाई में एक दांते की मोटाई को, एक ही दांता है ना यहाँ पे, एक दांते की मोटाई को कॉर्डियल थिकनेस कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट 13वां, 13वां क्या है हमारा, ये है टॉप लैंड, TOP, टॉप LANDE, टॉप लैंड। 13वां टर्म्स क्या है हमारा, टॉप लाइन, टॉप लाइन क्या है, जब गियर के ऊपर से आप देखोगे तो ऊपर, ये टॉप मतलब क्या, ऊपरी भाग, और लैंड मतलब एक
बराबर फैला हुआ जगह, ऐसा जगह जहां पे प्रॉपर बराबर वे में हो, हर तरफ से इक्वल हो और समान हो, समानांतर हो, ये मतलब लैंड की तरह। टॉप लैंड, ऊपर से देखने पर जो गियर के दांते होते हैं वो चिपते और समान होते हैं, उसी को कहा जाता है गियर का टॉप लैंड, दांतों का टॉप लैंड। नेक्स्ट टर्म्स है 14वां, क्या है वो है आपका फेस विड्थ, एफ ए सी ई फेस, डब्ल्यू आई डी टी विड्थ, फेस विड्थ मतलब विड्थ चौड़ाई, फेस की चौड़ाई, यानी कि जब ऊपर से देखेंगे आप यानी गियर की कुछ ना कुछ तो चौड़ाई होगी, तो वही गियर की चौड़ाई क्या उसके डिपेंड करता है उसके दांतों के ऊपर, गियर की चौड़ाई उसके दांतों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके दांते कितनी चौड़ी है जो फेस की तरफ से देखा जाए, यानी फेस के बोला था एक गियर पकड़ा जाए तो ये इसका सामने हो गया, फ्रंट हो गया, इधर से देखेंगे साइड व्यू हो गया, तो सामने से जो देखते हैं फ्रंट से वही फेस नजर आता है जो चौड़ाई वाला भाग होता है। देखिए ये जैसे फेस है सामने से गियर को देख रहे हैं तो यहाँ देखिए फेस है, ये पिच सर्कल से ऊपर हमें जो नजर आता है ना ये फेस में आता है पूरा, तो वही फेस की चौड़ाई, अब यहां से यहां तक कितनी चौड़ाई है उसी को फेस विड्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 15वां, क्या आपका बॉटम लैंड, कैसे टॉप लैंड क्या था टॉप में था जो टॉप से दिख रहा था वैसे ही बॉटम में, देखिए बॉटम लैंड में है क्या, जब यहां से पिच सर्कल से हम नीचे की तरफ आते हैं डिडेंडम की तरफ तो यहां से हमारा कर्व होने लग जाता है, गियर के दांते यहां से कर्व होते हैं और फिर यहीं से उठेंगे ऊपर। नेक्स्ट देखिए यहां से ये आया कर्व हुआ, यहां से ऐसे कर्व हुआ फिर यहां से देखिए उठ गया, ये पीछे की तरफ गया था, यहां से कर्व हुआ फिर यहां से ये लैंड किया, ये देखिए यहां से कर्व हुआ ये लैंड किया फिर लैंड किया और यहां से फिर से उठा, तो जिस पॉइंट पे हमारा ये पिच सर्कल से नीचे की तरफ जहां से कर्व होकर के फिर लैंड करता है उसी को बॉटम लैंड कहते हैं। हम जमीन पर लाएंगे ना, बॉटम मतलब नीचे का भाग और लैंड मतलब लैंड करेगी तभी तो फिर ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे लैंड करती है, लैंड करने की वजह से ही ये वक्र दिखता है, रेडियस में दिखता है, अगर लैंड ना करे तो रेडियस में गियर्स नहीं दिखेंगे। क्लियर, ऐसे करके आपका गियर का टोटल टर्मोलॉजी, सारे टर्मोलॉजी खत्म हो जाते हैं आपके गियर्स में, टोटल 15 टर्मोलॉजी हैं, इस 15 टर्मोलॉजी को आपको एकदम क्लियर कर लेना है और ये 15 टर्मोलॉजी क्लियर हो गया तो गियर का कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अपना जब अगला वीडियो डालूंगा आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।